हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नितेश दुबे, यू आर वाचिंग तनिष्का कोचिंग। आज की जो वीडियो है उसमें केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है, 12th केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें आपको केमिस्ट्री के जो चैप्टर आपके क्वार्टरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनको उन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। बात पहली आती है कि क्वार्टरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो देखिए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 6 चैप्टर आपसे केमिस्ट्री में पूछे जाएंगे, ठीक है। वो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो आपकी बुक में सेकंड चैप्टर है विलयन, थर्ड चैप्टर है आपका विद्युत रसायन, फोर्थ चैप्टर रासायनिक बलगति, फिफ्थ चैप्टर आपका उपसर्ग संयोजी रसायन, उपसर्ग संयोजी रसायन, सिक्स चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, एवं हेलो एरिन, और सेवन चैप्टर है आपका अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर है आपके जिन चैप्टर से आपके क्वार्टरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये चैप्टर है, इससे तो आज की जो वीडियो है उसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साथ ही आप लोग ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके भी प्रश्न आप सॉल्व कर लीजिए, क्यों, क्योंकि उसके भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वह है चैप्टर 2 से, हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का नियम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए। सीमाएं लिखिए। थर्ड क्वेश्चन आपका, निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं। सेकेंड चैप्टर है प्रतिशतता, मोलरता, मोलरता, इन सभी की परिभाषा है, इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन लिखे, निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें आ जाएंगे आपकी प्रतिशतता, प्रतिशतता, मोलरता, मोलरता, तीसरा आपका मोलरता, मोललता, ठीक है ना। उसके बाद आपका आएगा मोललता के बाद आपका नॉर्मलता, फॉर्मलता, फॉर्मलता, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, वास दाब में अवनमन को स्पष्ट कीजिए, कीजिए, ठीक है ना। देखिए हेनरी का नियम लिखिए, हेनरी के नियम की सीमाएं, साथ ही प्रतिशतता, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है 2 नंबर के
क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप इनकी डेफिनेशन प्लस इनका जो फॉर्मूला होता है उन्हें आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आता है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, अनुसंख्यक गुण धर्म को परिभाषित कीजिए। छठवां क्वेश्चन जो है आपका वो आएगा आपका इसी चैप्टर से, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। देखिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अक्सर का मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राउल्ट का नियम लिखिए, क्लियर है। तो राउल्ट का नियम और राउल्ट के नियम की सीमा है, ठीक है ना, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है कथनांक में उन्नयन, में उन्नयन को लिखिए, क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन जो 8th क्वेश्चन है, परासरण व विसरण में अंतर लिखिए। 9th क्वेश्चन है आपका वांट, हाफ सिद्धांत लिखिए, वांट हाफ सिद्धांत लिखिए, ठीक है ना। और वांट हाफ 10वां क्वेश्चन है, वांट हाफ सिद्धांत से वांड ऑफ सिद्धांत से विलेय का अणुभार ज्ञात करिए। क्लियर है, ये 10 क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर से। पहला है हेनरी का नियम लिखिए, दूसरा है हेनरी के नियम की सीमाएं लिखिए, तीसरा क्वेश्चन है निम्न को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपकी डेफिनेशन आ जाएगी, प्रतिशतता, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। फिर आता वास्तवन में अवनमन को स्पष्ट कीजिए, फिर अनुसंख्यक गुणधर्म को परिभाषित कीजिए, राउल्ट का नियम लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर कथनांक में उन्नयन को लिखिए, परासरण और विसरण में अंतर लिखिए, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ का सिद्धांत लिखिए, वांट हाफ और राउल्ट का नियम, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है आपके एनुअल के लिए भी, क्वार्टरली के लिए भी और हाफ ईयरली के लिए भी। उसके बाद वांट हाफ सिद्धांत से विलेय का अणुभार ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, प्लस इसका सूत्र स्थापित करने के लिए भी आ सकता है। प्लस आप जब चैप्टर के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, क्वेश्चन याद करते हैं, तो चैप्टर के लास्ट में जो तथ्यात्मक प्रश्न दिए रहते हैं उनको एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ें और स्मरणीय तत्व को जरूर ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो वहां से भी पूछे जाते हैं, क्लियर है। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आएगा
ठीक है, ऐप केंद्र की परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए, जल नंबर का आएगा, क्रिस्टली ठोस, ठोस को परिभाषित कीजिए। थर्ड नंबर का आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका दुर्बल विद्युत अवगत में अंतर लिखिए। लिखिए फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो आएगा ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखिए। फिफ्थ 13, 14, 15 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका कोल रॉस का नियम लिखिए। कोल रॉस का नियम लिखिए। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है ये, कोल रॉस का नियम लिखिए। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका कोल रॉस के नियम के अनुप्रयोग, यहीं पे लिख देते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग लिखिए। सिक्सटीन नवंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन कीजिए। सेवेंटीन नंबर का प्रश्न, नष्ट समीकरण लिखिए एवं इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। अनुप्रयोग लिखिए। 18th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा, 2 ग्राम कास्टिक सोडा ढाई सौ मिलीलीटर विलयन में 250 मिलीलीटर विलयन में विलय है
है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। नाइनटीन नंबर का जो क्वेश्चन है वो आया आपका विद्युत अपघटन संबंधी। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे फैराडे का नियम लिखिए। देखिए यह है क्वेश्चन। एफ के अंदर की परिभाषा देखिए, क्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। उसके बाद प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट में अंतर। ये चैप्टर आपका विद्युत रसायन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। उसके बाद ओम का नियम लिख रहा है, कोलरॉस का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनुअल और हाफ ईयरली में पूछा जा सकता है। उसके बाद उसके अनुप्रयोग, फिर इलेक्ट्रोड विभव कैसे कहते हो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का सचित्र वर्णन, नष्ट का समीकरण और इसके उपयोग, फिर 2 ग्राम कास्टिक सोडा 250 मिलीलीटर विलयन में विलय है तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। फिर आता विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम लिखिए। देखिए फैराडे के फिजिक्स में भी नियम है, ठीक है ना। फैराडे ने फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिया था, यहां पे विद्युत अपघटन संबंधी नियम दिया था, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नहीं कि फैराडे का नियम देख के आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिख दीजिए। ध्यान रखिए अगर केमिस्ट्री में पूछ रहा है फैराडे के नियम लिखिए तो विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम प्रतिपादन किया था। क्लियर। चलिए फोर्थ चैप्टर, ठीक है ना, फोर्थ चैप्टर देखते हैं। फोर्थ चैप्टर है आपका रासायनिक बल गति। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। 21st नंबर का जो क्वेश्चन आएगा दर नियम या दर स्थिरांक, दर स्थिरांक किसे कहते हैं। देखिए 22nd नंबर का जो क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करते हुए, परिभाषित करते हुए प्रथम कोटि कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण
समझाइए। तो 23rd नंबर का जो क्वेश्चन है वह आएगा आपका छद्म कोटी की अभिक्रिया को अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। समझाइए ट्वेंटी फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है हिरनियस आइनियस समीकरण को लिखिए। 25th नंबर का क्वेश्चन है आपका सक्रियण सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा के या को किस तरह निर्धारित किया जाता है, देखिए ये 25 क्वेश्चन है चैप्टर 4 तक के, ठीक है ना। इनके अलावा भी और भी क्वेश्चन है आपके, जैसे चैप्टर आपका 9 हो गया, चैप्टर 10 हो गया, चैप्टर 11 हो गया। ये अभी आपके तीन चैप्टर के क्वेश्चन है, तीन चैप्टर के क्वेश्चन की वीडियो आपको इसके पार्ट सेकंड में मिलेगी। तब तक आप ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, प्लस चैप्टर के लास्ट में जो तथ्यात्मक प्रश्न दिए उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इसी के जो ऑब्जेक्टिव है या ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन है चैनल के चैनल में आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम इसी के एवन में सेकेंड पार्ट लेकर आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक